बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामले सरकार और आमजनों के लिए नई मुसीबत लेकर आ रहा है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक और एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पटना जिलाधिकारी ने पटना जिला को एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से लॉकडाउन से राहत मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला शासन के तरफ से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का निर्देश दिया गया है। हालांकि इस बाबत जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना को लेकर जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के बाद अनलॉक पार्ट वन पार्ट टू में लोगों को काफ़ी रियायतें दी गई थी। हालांकि इस बीच कुछ लोगों द्वारा कोरोना के संक्रमण की गंभीरता नहीं समझना अब भारी पड़ने लगा है। कोरोना के ज़्यादातर मामलों में लोग ठीक भी हो रहे हैं, ये बेहद अच्छी बात है, लेकिन इसको नज़रअंदाज करना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना के बढ़ते मामले ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब कम्युनिटी की ओर बढ़ने का संकेत है। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए बक्सर जिला में जिला पदाधिकारी बक्सर के आदेशानुसार 10 जुलाई 12 जुलाई तक यानी कि कुल 3 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा। विस्तृत आदेश निकालने की तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व की भांति सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा राशन का सामान दूध सब्जी और अन्य जरूरी चीजें पूर्व की तरह आम जनों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी महोदय ने बक्सर वासियों से संयम बरतने की अपील की है। यह सिर्फ सबों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पटना जिले में जो संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पटना जिला अंतर्गत जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, जितने भी प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनमें से जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं उनको छोड़ करके उनको एक सप्ताह के लिए बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। और यह आदेश शुक्रवार यानी 10 तारीख से प्रारंभ होकर 16 तारीख तक एक सप्ताह के लिए लागू रहेगा और पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन के द्वारा नज़र रखी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि जो सड़कों पर भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी और कई जगहों पर संक्रमण की भी गंभीर घटनाएं हुई हैं, खास करके पटना सिटी हो या पालीगंज हो, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सभी स्थानों पर इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, उसको देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको भी अगले आदेश तक जो तिथि में निर्धारित की गई है उसके अनुसार बंद रखा जाए और जो वाहन है उसकी चेकिंग की भी अभियान तेज़ी से चलाया जाएगी। जो भी बिना मास्क के लोग कहीं सार्वजनिक स्थल पर या कार्यस्थल पर जाएंगे वहाँ जो 50 रुपये का फाइन करने का प्रोविजन है उसके अनुसार सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को, नगर निगम के पदाधिकारियों को, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के थानाध्यक्षों को भी यह आदेश दिए गए हैं कि उनके द्वारा ऐसे स्थिति में फाइन लगाया जाए और कार्रवाई की जाए।